चाइना के वुहान शहर से एक वायरस का आउटब्रेक हुआ और अब तक ये 150 से ज़्यादा देशों को प्रभावित कर चुका है। इसके ऊपर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजन शर्मा मौजूद हैं। उनसे जानते हैं इसके बारे में बहुत कुछ जो लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन्स हैं आजकल। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो ये थर्ड स्टेज होती है स्प्रेड की, जो बाकी देशों जो यूरोपियन कंट्रीज़ में अभी हो रही है या हमारे यहाँ भी सस्पेक्टेड है, ये कम्युनिटी स्प्रेड होता क्या है एग्जैक्टली? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बताना चाहूँगा, किसी भी वायरस को किसी शहर या किसी कंट्री का नाम देना एज़ पर WHO गाइडलाइंस गलत है। हमने इसका स्प्रेड देखा है, चाइना से शुरू हुआ, बट इटली के इंसिडेंट के बाद इट हैज़ इट्स डाउटफुल, देर आर डाउट्स बीइंग रेज्ड बिकॉज वी आर, हम अभी भी डाटा जितना इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको इकट्ठा करके एनालाइज कर रहे हैं और एक वैक्सीनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं कि इसका इलाज जल्द से जल्द ढूंढा जा सके। परंतु ये कहना वुहान से शुरू हुआ, वुहान से रिपोर्ट पहले हुआ, रिपोर्ट ने उससे सारे विश्व को तैयार किया इस चीज़ के लिए, जिसमें भारत में भी हुआ। वुहान से बाहर गया शिप के थ्रू, डायमंड शिप अगर आपको याद हो, और वहाँ से जापान, साउथ कोरिया, चाइना का टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। अब कोरोना वायरस का ओरिजिन तो बैट मीट एंड कोबरा, ये सांप के मांस से है, परंतु स्प्रेड जो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन म्यूकस उससे है, जो कि सस्पेक्टेड है कि इसी से स्टार्ट हुआ। ये बढ़ते बढ़ते एक महामारी का रूप ले चुका। इंडिया की जो गवर्नमेंट ने एकदम से अप्रोच अपनाई, एक बहुत अच्छी अप्रोच कि पैनिक नहीं और एक स्टडीड अप्रोच, स्टेप बाय स्टेप हैज द कंट्री, मतलब देश को तैयार किया गया इसके लिए। एक सराहनीय कदम है कि मेट्रोज में गैदरिंग्स को कम करना और कई जगह पे धारा 144 लगाना, क्यों? हमारा अगर सबसे बड़ा रिसोर्स अगर है वो हमारी पॉपुलेशन है, तो दूसरा ऐसी महामारी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी पॉपुलेशन। अब आपका सबका एक कॉमन सवाल होता है कि क्या देश तैयार है स्टेज थ्री के लिए? स्टेज थ्री के लिए तैयार तब है कितनी पॉपुलेशन है, कितनी पॉपुलेशन इफेक्ट हो रही है। हाँ, आज की डेट में, आज से 10 साल पहले में और अब में अगर देखा जाए, हम बहुत अच्छे रूप से, क्योंकि जो इसकी कॉम्प्लिकेशन है वो सांस रिलेटेड है, यानी कि वेंटिलेटर सपोर्ट या कुछ, और काफ़ी हद तक गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर, IMA ने अपनी देश सेवा मानते हुए यूनिलैटरली अपनी तरफ से एक तरफा उससे सरकार के साथ कंधा से कंधा मिला के चलने की ठानी और अनाउंस किया। और बेसिक तालुका लेवल अपनी 1765 ब्रांचेस और लेकर जितने कंट्री में 3.5 लाख मेंबर हैं हमारे, उनके साथ मिल के, बेशक वो सिविल सर्जन हैं, बेशक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, रेगुलर रूटीन एक्सरसाइजेज हो रही हैं, आइसोलेशन चैम्बर्स क्रिएट किए जा चुके हैं। मैं आपको लोकल ग्राउंड लेवल से बता रहा हूँ कि सब जगह तैयारी पूरी है। मास्क के लिए मैरिज हॉल्स की बुकिंग कर ली गई है, हर एक हॉस्पिटल में आइसोलेशन रूम्स बनाए गए हैं। अगर किसी के पास एक वेंटिलेटर है तो उससे रिक्वेस्ट की गई इन केस ऑफ एमरजेंसी उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। जिसके पास मल्टीपल वेंटिलेटर है उसको एक डेडिकेटेडली एक वेंटिलेटर सेपरेटली रखने के लिए बोला गया है, जो कि हम सारे कंप्लाई कर रहे हैं। हम इसमें मानते हैं, आप देखेंगे धर्म में ना जाते हुए कि कई रिलीजियस प्लेसेस ने अपने पिलग्रिम्स की एंट्री बंद कर दी। इस समय में मैं फख्र करता हूँ अपने डॉक्टर भाइयों पे और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स पे, हमारा नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, हमारा एम्बुलेंस स्टाफ, जो 24/7 इस सेवा में लगे हुए हैं, उनके लिए किसी को ना नहीं, जो
जो वुहान जो पेशेंट कोरोना COVID-19 से आया है नहीं आया है, हम अब उसके एक्सपोजर के लिए तैयार होकर उसको चैलेंज को मीट कर रहे हैं। दवाइयाँ जिसकी जो जो अवेलेबल हैं वो हो अच्छी क्वांटिटी में हैं, और जहाँ जहाँ फीडबैक देते हैं हम उसका फीडबैक का पॉजिटिव रिस्पांस गवर्नमेंट की सरकारी एजेंसियों के द्वारा भी आता है। आज भी एक मीटिंग रखी गई है। अब आम जनता के मन में कई सवाल ऐसे भ्रम पैदा करते हैं कि जी कुछ खान पीन से कुछ ऐसा खा लो कुछ ऐसा कर लो उससे हमारा COVID-19 को हम रोक सकते हैं, जो एक मिथ्या है। इसी और IMA ने अपनी सोशल सर्विस समझकर डॉक्टरों द्वारा चलित 24/7 एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया। 2 लाइन हेल्पलाइन नंबर्स हैं जो कि आम जनता के लिए ओपन है। आम जनता अपने सवाल कर सकती है। 8-hour shifts में हमारे डॉक्टर्स उस कॉल सेंटर को रन करते हैं, और जहाँ तक मेरा मानना है देश में ये सबसे पहली सेवा है जो टोटली डॉक्टरों द्वारा चलाई जा रही है। IMA के इनिशिएटिव। सर, जब से ये वायरस फैला, जब से महामारी फैली, तब से इसके इर्द गिर्द एक थ्योरी और चल रही है कि शायद ये बायो वॉरफेयर है। क्या ऐसा डॉक्टर कोई ऐसी थ्योरी को मानते हैं? क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है? क्या पास्ट में कभी ऐसा हुआ है कि किसी बीमारी को फैला दिया गया हो बायो वॉरफेयर के तौर पे? बायो वॉरफेयर कहाँ से शुरू होना चाहिए? जो इल्ज़ाम लग रहा है कि चाइना ने शुरू किया, तो अपनी पॉपुलेशन को मार के थोड़ी करेंगे। सबसे ज़्यादा इफेक्ट तो चाइना में आया, और देखा जाए अगर सारी दुनिया में महामारी फैला के, ये बीमारी फैला के, कोविड वायरस को फैला के अगर हम ही नहीं रहेंगे तो दुनिया का करना क्या है? ये सरकारों की सोच होनी चाहिए, जो हमारे इंटेलिजेंस है उनका है। डॉक्टर अपनी एक सेवा के नाते इसको ट्रीट कर रहा है। हाँ, इसको COVID-1 को अगर देखें, कुछ साल पहले SARS आया था, स्वाइन फ्लू आया था, हमने उसको भी ओवरकम किया, और हम इसको भी, मैं तो बड़ा जिसको कहते होपफुल हूँ कि हम इसको भी काबू पा लेंगे। जैसे जैसे हम अर्जेंट स्टेप्स ले रहे हैं, हर रोज़ स्ट्रैटेजी को रिवाइज करना है, इसका मतलब आप ग्राउंड वर्क बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्वारंटाइन में प्रॉब्लम आ रही है, सो जो नहीं रह सकता कैंप में उसके लिए भी अरेंजमेंट है, पेमेंट करके रहो। शॉपिंग मॉल्स में, रेस्टोरेंट्स में आज की जो न्यूज़ थी कि 50 से कम कैपेसिटी ऊपर जाने नहीं देंगे, ये एकदम रोकथाम है। जैसे हम नोएडा में पढ़ रहे हैं कि धारा 144 लग गई, जो कि एक सजग सरकार का और जो सजग समाज का है। और सबसे बड़ी बात, हमारे लोगों का रिस्पांस बहुत मैच्योर रिस्पांस। IMA ने आपको, हमारा ये जो मिडल ऑफ द ईयर का कैलेंडर होता है, हमारी इतनी मीटिंग्स होती हैं, हमारी सेंट्रल वर्किंग कमेटी बनारस में थी इस वक्त 3-4-5 अप्रैल को, जिसमें हमारे पूरे साल में 2 या 3 मीटिंग्स ऐसी होती हैं, बाकी CME सेमिनार हमने सब कैंसिल कर दी। एवरी मीटिंग हैज़ बीन कैंसल्ड कि इसको रोका जाए। अब ये क्या रूप लेगी ये आने वाला वक्त बताएगा। सबसे ज़्यादा कॉमन सवाल आपका कि जी हम तैयार हैं कि नहीं है। हम हर एक चीज़ के लिए तैयार, पर हम जो मौके पे आता है उसको देख के उसी हिसाब से डॉक्टर अपनी स्ट्रैटेजी और अपनी डिस्कशन के रूप में वो डिसाइड करते हैं। हम आपस में एक दूसरे से नोट्स एक्सचेंज करते हैं। IMA रेगुलर अपने मेंबर्स को इन्फॉर्मेशन भेज रहा है, जो नए नए फाइंडिंग्स आ रही हैं वर्ल्ड ओवर, उसकी हमने एक IMA ने एक नेशनल टास्क फोर्स बना रखी है ऑल अक्रॉस द कंट्री, जो रेगुलर फीडबैक्स देती है। सर, एक क्वारंटीन को लेकर लोगों के मन में बहुत डर है,
तो मुझे ये जानना था कि और इनफैक्ट हमारे व्यूअर्स को भी ये जानना था कि क्वारंटीन में एग्जैक्टली होता क्या है, मतलब कैसे वो लोग अगर सपोज कि कोई बाहर से आया विदेश से तो उसको तुरंत क्वारंटीन कर दिया जाता है, और मान लीजिए कुछ टाइम उसको वेट करना पड़ता है अपने रिजल्ट के लिए, मान लीजिए 4 लोग उनमें से पॉजिटिव हैं एक नेगेटिव है, तो वो कैसे सेव रहेगा उन लोगों से, और क्वारंटीन में एग्जैक्टली होता क्या है? क्वारंटीन पहले तो था कि जो इफेक्टेड एरिया से आए, जैसे वुहान से प्लेन लैंड किया, ये बहुत डिपेंड करता है कि कौन सी कंट्री से आप आ रहे हो, इफेक्टेड कंट्री से आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। देन पेपर वर्क है, अभी मेरे एक मित्र आए हैं अमेरिका से, तो ही वॉज़ वेरी अप्रिशिएटिव कि मैं जैसे ही प्लेन से लैंड किया, मेरे को पूछा गया कि सर हम थर्मल सेंसर लगा लें आपके। थर्मल सेंसर लगा के मेरे को टेम्परेचर नहीं था, मेरे को इमीडिएटली अलग से ले जाके, इंडियंस के लिए अलग, फॉरेन नेशनल्स के लिए अलग, इमिग्रेशन में ले जाके, कन्वेयर बेल्ट पे भी हम जब गए तो हमारी सेग्रीगेशन थी, अलग अलग किया हुआ था। नहीं तो अगर एयरपोर्ट पे 7 या 8 कन्वेयर बेल्ट हैं, सारे प्लेन कठिन लैंड करते तो हम सारे एक साथ ही जाते हैं। तो कहते मेरे को डेडिकेटेडली उस फ्लाइट की कन्वेयर बेल्ट पर ले जाया गया, मेरा बैग ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ था लाइन में। तो दूर से ही आदमी बैग पहचान लेता है, आपको कन्वेयर बेल्ट पे नहीं वेट करना पड़ता। मैंने अपना बैग उठाया और मैं बाहर आ गया एयरपोर्ट में। सारी चीज़ इंटरनेशनल ट्रैवल के बाद 12 से 13 मिनट, और वो अमेरिका से डलस से आ रहा था। कहता मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारी मैनेजमेंट वॉज़ बेटर देन अमेरिकन मैनेजमेंट। हिंदुस्तान जब करने पे आता है तो पूरी तरह करता है, और ये भी ओवरकम होगा। सर, जो हॉस्पिटल्स हैं वो किस तरह से मतलब लोगों को इनकरेज कर रहे हैं, या किस तरह के डिसीजंस ले रहे हैं कि क्राउड कम हो, लोग कम लोग ओपीडी पे आएं, और क्या वो ऐसा भी कर रहे हैं कि 15 दिन के प्रेस्क्रिप्शन की जगह 1 महीने को का प्रेस्क्रिप्शन दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि जिनको बहुत ही अर्जेंट नीड है मेडिकल अटेंशन की सिर्फ वही लोग हॉस्पिटल में आएं? कई हॉस्पिटल्स ने और पेशेंट रश कम करने के लिए इलेक्टिव सर्जरीज को पोस्टपोन कर दिया। इलेक्टिव सर्जरीज वो होती हैं जो इमरजेंसी नहीं होती, जो वेट कर सकते हैं। कई ऐसी बीमारियां हैं जिनको हम डेट देते हैं, या पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब मेरे बच्चे की छुट्टियां इस महीने में, उस वक्त कर दीजिए। सो इट इज़ ए सेफ मतलब थिंग टू डू टू डिले देम। हाँ, अगर कोई इमरजेंसी आती है तो देन दे आर ऑलवेज वेलकम इन एमरजेंसी। सो एक तरीका तो ये है। अच्छा, फिर आ गया लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीज़ लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, जो पेशेंट रेगुलरली आना चाहता है, उसमें थोड़ा लंबा टाइम दे रहे हैं कि आप ये लीजिए। और उसको पेशेंट हिस्ट्री एंड मैपिंग ऑफ द पेशेंट। अब जैसे मैं अगर आया, मुझे खांसी है, जुकाम है, 3 दिन से है, लॉन्ग स्टैंडिंग खांसी तो किसी भी फ्लू के बाद, ये फ्लू सीज़न चल रहा है, चल सकती है। तो अगर मैं दिखाने आता हूँ तो मेरी ट्रैवल हिस्ट्री बड़ी इम्पोर्टेंट है, मैं कौन कौन से कंट्रीज़ में गया, जहाँ वो पॉजिटिविटी आई कि नहीं आई, उसी हिसाब से COVID-19 टेस्ट किए जा रहे हैं। पहले कुछ लैब्स कम थी, अब हमारे पास ऑफिशियली ICMR की 52 लैब्स हैं, और उनको और बढ़ाया जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर को भी बोला जा रहा है कि आप, सो जहाँ जहाँ जो जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको मीट किया जा रहा है। जिस शहर में लैब नहीं है वहाँ पे ऑफिशियली सरकारी IMA की नॉलेज में है, सैंपल कलेक्शन सेंटर्स हैं जहाँ थ्रोट स्वैब लिए जाते हैं और रिस्पेक्टिव लैब्स को भेजे जाते हैं ताकि रिपोर्ट आ सके। सर, देखा गया कि लोग बहुत ज़्यादा थोड़ा सा डर भी रहे हैं इस चीज़ से, बहुत सारे लोग खाने की चीज़ें फूड आइटम सब अपने घर में स्टॉक करके रख ले रहे हैं, बहुत डर गए हैं। तो क्या आप देखते हैं कि इस जब ये सब कुछ ओवर हो जाएगा और ये बीमारी ऑलमोस्ट मतलब ख़त्म हो जाएगी, या तो कैसे लोग इससे ओवरकम कर पाएंगे, इस पोस्ट ट्रामेटिक जो ये पैनिक अटैक्स होते हैं, क्या IMA ऐसे कुछ लोगों को कुछ हिदायत देगा या हेल्प करेगा कि आइए आप अपना चेकअप करा सकते हैं, आप काउंसिल ले सकते हैं काउंसिलिंग? हर एक शहर में देयर वी हैव काउंसलिंग सेंटर्स, साइकेट्रिस्ट हैं। सी देन इट बिकम्स अ रूटीन डिजीज़। जिसको कोई प्रॉब्लम आती है वो रूटीन डिजीज़ बन जाती है। बट अभी हमारा सबसे बड़ा चैलेंज इज COVID-19। स्ट्रेस और स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स
जब आएंगी तब देखेंगे, अभी हमारा चैलेंज इस COVID-19। तो ये थे हमारे साथ IMA के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजन शर्मा। IANS TV के लिए मैं स्फूर्ति।